इस समय तस्वीरें हम आपको जो हैं कटरा से दिखा रहे हैं, और ये कटरा की देवनगरी की तस्वीरें हैं जहाँ पर आज अगर बात करें शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, और उसकी शुरुआत जो है हर वर्ष की तरह इस साल भी जो है माता रानी के उत्सव के साथ और साथ ही साथ झांकियों के साथ हो रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं नवरात्रा फेस्टिवल की, जिसमें अलग अलग झांकियां तो देखने को मिलेगी, साथ ही साथ डोगरी कलाकार जो है इसमें शामिल है। सरस है हमारे साथ। सरस, जिस तरीके से बात करें, ये ऐसा उत्सव रहता है, ऐसा पर्व रहता है जब कहीं ना कहीं हर कोई जो है मगन हो जाता है, एक अलग आस्था का जो है रंग देखने को मिलता है। किस तरीके का उत्साह देखने को मिलता है? देखिए, मुझे लगता है कि दो साल के बाद ये चीज़ें हमें फिर से देखने को मिल रही हैं, और फेस्टिवल में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है जिसमें हर स्टेट के कलाकार आपको देखने को मिलेंगे, और जम्मू के लोकल कलाकारों को भी यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत खुशी है, और जो लोगों से प्यार मिल रहा है, क्योंकि दो साल के बाद जब कोई चीज़ें होती है तो एक उत्साह रहता है लोगों में। तो मैं ये चाहती हूँ कि माता रानी के आगे यही दुआ करती हूँ कि ये टाइम जो है जल्दी से COVID-19 खत्म हो जाए, और ये चीज़ें हमारी खुशी वाली चीज़ें ये पर एक और साथ रहेगा कि जिस तरीके से मतलब ये इन त्योहारों के बीच में जब ये ऐसे उत्सव आते हैं तो इनके बीच में जब ये डोगरी को लेकर जो है एक प्रेम दिखता है अलग तरीके से जो है लोगों के अंदर, इसका भी एक अलग उत्साह दिखता है, उस पर किस तरीके की खुशी रहती है? देखो, मैं जम्मू की गल करा, जम्मू के डोगरें की गल करा, डोगरी की गल करा, तो लोगों की बड़ा उत्साह होता है। खासकर मैं रुमालो राम के साथियों की गल करनी हूँ, मुझे लग रहा है लगभग जदों का फेस्टिवल शुरू होएगा तदों दे अस परफॉर्म कराने आ। मीं ते कोई ज़्यादा टाइम नहीं होया इस फेस्टिवल च परफॉर्म करदा, लेकिन जो कटरा दे लोकां दी तरफा असीं की प्यार थोंदा है, और उन्हें की हमेशा होंदा कि अच्छा रुमालो राम दे साथी इस बार भी हुआ कर देन, वह एक होंगी ना कि कुसी की एक्साइटमेंट सुनने की, उन्हें परफॉर्मेंस दिखने की बड़ी खुशी होंगी। आओ करी माता रानी सारे पर आशीर्वाद बनाइए रखन, ते बस सारे जने अपना अपना काम करते रहो। काम करते रहो, बिल्कुल। तो बात करेंगे रुमालो राम जी से। रुमालो राम जी, जिस तरीके से बात करें तो एक क्योंकि कोरोना के चलते जो है ये उत्सव नहीं हो पाया, अब हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है क्योंकि माता रानी के दरबार में इस तरीके से हाथ सारे छा पहले आऊ एक जयकारा लगा, बोल सांचे दरबार की, बोल सांचे दरबार की, तुंदे चैनल राय सारे की जय माता दी, जय डुग्गर, जय मां डोगरी। कोरोना काल दे हुंदे होई पिछले साल ये पर्व नहीं मनाया जाई सकिया, तो इस बारी माता रानी दी कृपा कन्ने कोरोना महामारी कोला भी हर परिवार की राहत मिली दी, और ये पर्व जड़ा दोबारा समस्त डुग्गर जड़ा अज बड़ी खुशियां कन्ने मना करदा, हर परिवार दे चेहरे उपर बड़ी बड़ी खुशी अस दिखा करदे हां लोकें की, कि इन्नी खुशी है कि लोग उतावले होई गए थे, एक साल ये पर्व नहीं मनाई सके इस महामारी के कारण। तो अस माता रानी दे अगे बिनती करदे कि माता रानी पूरी दुनिया की हर परिवार की इस महामारी कोला राहत थूए, तो माता रानी के चरने च दिने राती माता रानी के जयकारे गूंजते रहन, ते हर परिवार की मन्नत पूरी होए, अस तो सारे जने आउंदे रहचै, ते तुंदा भी शुक्रिया कि तुंदे तुस माता रानी दे दरबार च अपने चैनल राए अपनी हाजरी लवा करदे हो, ते असें गी दर्शियां तक मलाने आस्तै तुंदा बड़ा बड़ा योगदान है। आऊं मुड़िया तुंदा मता मता धन्नवाद करना, जे तुंदी बगैरा डुग्गर दी कला, डुग्गर दी संस्कृति, डुग्गर दा लोक गीत नाच जड़ा वो अपने दर्शियां तक नहीं पुजी सकदा, खासकर डुग्गर दे दर्शक जेड़े देशें विदेशों में बैठे दे, उनेंगी भी सारे गी इस पावन अवसर उपर जय माता दी, जय माता दी, और तुंदे चैनल दे सारे परिवार की जय माता दी, जय माता दी। जय माता की जयकारों के साथ जो है इसका शुभारंभ हो चुका है। इन तस्वीरें हम आपको जो है नवरात्रा फेस्टिवल यानी कि कटरा फेस्टिवल की दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें हम आपको जो है देवनगरी कटरा से दिखा रहे हैं। अलग अलग झांकियां जो हैं यहां पर तैयार हैं, और बस इसका शुभारंभ हो चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है आज कटरा जो है एक महोत्सव में जो है सजा हुआ है। कटरा में एक अलग रौनक जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि माता रानी के पावन नवरात्रों का अवसर जो है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, शारदीय नवरात्र
नवरात्रों की बात करें तो आज से ये नवरात्रों का पावन दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं और अगले अगर बात करें 9 दिनों तक जो है कटरा में जो है इसी तरीके का एक महोत्सव देखने को मिलेगा। और तस्वीरें हम आपको जो है दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धूमधाम के साथ जो है इस कटरा फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। ये कटरा फेस्टिवल की तस्वीरें हैं क्योंकि पिछले साल कोरोना के चलते जो है ये त्यौहार जो है नहीं मनाया पाए थे, परंतु इस बार जो है किसी भी तरीके की जोश की कमी जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। और अब देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर जो कटरा फेस्टिवल है उसका आगाज हो चुका है। अलग अलग झांकियाँ जो हैं आप देख सकते हैं, ये राधा कृष्ण की झांकी जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पर राधा कृष्ण जो है नृत्य पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। राधा कृष्ण जी यहाँ पे राष्ट्र रचाते हुए हम सभी का और मनोरंजन। अगर बात करें तो इस फेस्टिवल की तो इसमें आपको जो है ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जो है कश्मीरी नृत्य भी जो है इसका हिस्सा बना हुआ नजर आ रहा है। ये कश्मीरी नृत्य की जो झांकी है वो भी आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं हमारे रीजनल आउटरीच ब्यूरो के कलाकार। तो ये शोभा यात्रा आज तक के पहुंच रही है सहयोग से सबका, सभी साथियों का, वरिंदर ये माँ काली की जो है शोभा यात्रा है यानी कि माँ काली की झांकी जो है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें जो है आप देवनगरी कटरा की देख रहे हैं जिसमें आपको अद्भुत किस्म की झांकियाँ जो है वो नजर आएंगी, हर किस्म का नृत्य जो है यहाँ पर नजर आएगा और कहीं ना कहीं ये शान है इस कटरा फेस्टिवल की। ये जितने भी हम शोभा यात्रा देख रहे हैं ये हमारे वीरेंद्र रैना जी की देख रेख में हो पाया है और शोभा यात्रा के चेयरमैन हैं, तो हम बहुत बहुत आभार इसके साथ ही हमारे को लेके अपने हाथ में ऐसे घुमा दिए छवि के ऊपर। ये हमारे हिमाचल के कलाकार मैम जिस तरीके से जानने को मिला है कि आप स्पेशल नवरात्र फेस्टिवल के लिए यहाँ पर पहुँची हैं, पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपका नाम। दिस इज सुनैना चौहान। तो आज जिस तरीके से अगर बात करें तो माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने का इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, इससे सुंदर और इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। हम लोग लास्ट नवरात्रों में यहाँ पे थे 5 महीने पहले ही और हम लोग को सेरा नहीं कि हम एक एक दिन गिनते थे कि कब माता रानी के पास वापस पहुँचे और माता रानी के पास यहाँ पे टाइम स्पेंड करें। कितनी खुशी हो रही है क्योंकि माता रानी के दरबार में आना, यहाँ पर दर्शन करना और फिर इतने प्यारे उत्सव का हिस्सा बनना वो एक अलग चीज है। बिल्कुल, हम तो सोचते थे कि शायद मरने के बाद ऐसा होगा, पर जीते जी नजर आ रहे हैं माता रानी के नजारे। जिन माता रानी के नजारे आ रहे हैं तो एक बार जोर से माता रानी का जयकारा जरूर लगा। जयकारा शेरावालिदा बहुत सांचे दरबार की जय। देखिए किस तरीके का यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि ये उत्साह जो है ये सामने जो देखिए आप माता रानी की जो झांकी जो है यहाँ पर तैयार है कि बहुत ही खूबसूरत झांकी जो है आपको देखने को नजर आएगी। माता रानी की तीनों पिंडी रूप के दर्शन जो है इस झांकी के जरिए जो है करवाए जा रहे हैं और साथ ही साथ अगर बात करें तो इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर माता रानी के 9 रूपों के दर्शन भी करने को मिलेंगे। ये माता रानी के 9 रूप जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। ये माता रानी के 9 रूप के जो दर्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माता रानी के 9 रूप जो है यहाँ पर तैयार है। तो कहीं ना कहीं इस अगर बात करें कटरा फेस्टिवल की तो एक अलग ही उत्साह और साथ ही साथ जोश जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ये कटरा यानी कि देवनगरी कटरा की है जहाँ पर कटरा फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है और इस शुभारंभ के साथ ही यहाँ पर जोश उत्साह जो है
वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो इस जोश उत्साह में जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पूजा तो देखिए किस तरीके से आयोजन जो है किया जा रहा है।